हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिम रियान, फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम लोग का एडमिशन डे है, आज हम लोग एडमिशन कराने जाएंगे। एक्चुअली आज 4 अगस्त है, हम लोग कल ही गए थे, बट एक प्रोटेस्ट चल रहा था श्याम बाजार में। मैं सियालदा से गया था, सियालदा में बॉन्ड बनाने में भी इशू हो गया और बहुत जाम था, तो कल हम लोग 10 मिनट देरी से पहुंचे थे, तो उस वजह से हमारा हो नहीं पाया। बट वेरिफिकेशन ऑफिसर ने नाम लिखने बोला था और मतलब बोला था सारा एक जो डॉक्यूमेंट्स का वो रहता है ना वो दे दिया था, बोला इसको फिलअप करके लाना। तो और 6 जन हम लोग गए थे, कल किसी का नहीं हो पाया, तो 6 जन को बोला कल जल्दी आना, हम लोग का कर देगा। तो चलते हैं डायरेक्ट, अभी तो हम रिश्ता से जा रहे हैं एंड अभी जस्ट घर से निकले, तो आगे दिखाते हैं कैसे होता है एडमिशन। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। गाइज अभी ना फिलहाल हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अभी ये लोकेशन एक्चुअली हम लोग रिश्ता फाड़ी बोलते हैं, और मैं रूट बता दूँ सागरदत्ता का मेरे घर से, मतलब सबसे नियरेस्ट कॉलेज इवन बर्दवान मुझे लगता था, बट सबसे नियरेस्ट कॉलेज मेरे घर के MBBS में यही है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हॉस्टल लूँगा, बट मैं रूट बता दे रहा। जैसे मैं अपने घर से ना एक रिश्ता फाड़ी करके होता, तो यहाँ पर एक घाट है, तो हम लोग ना जस्ट फेरी घाट क्रॉस करना होता। घाट आप क्रॉस करोगे और फिर वहाँ से एक टोटो लोगे तो आप डायरेक्ट सागरदत्ता, जो कमरहट्टी में, एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव रहते कमरहट्टी में, सो इसीलिए भी आसान पड़ जा रहा है मेरे लिए। एंड ये भी कॉलेज था जो मुझे मतलब आफ्टर टॉप 3, लाइक जैसे जितने भी करीब वो MCK सबका प्रेफरेंस रहता है, PG सबका प्रेफरेंस रहता है, NRS सबका रहता है। इनफैक्ट मेरा CNMC भी था, बट आफ्टर दैट मुझे RG कर भी मिल रहा था मेरे मार्क्स पे, बट सागर दत्ता डिस्टेंस, क्योंकि अगेन ये 5.5 ईयर्स वाला बात हो जाता है ना, क्योंकि 5.5 साल, और मैं तो पहले ही बताया था मैं होम सिक हूँ पूरा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सही जी, ये एक्चुअली टिकट के उस पार होने के बाद हम लोग को शो करना होता है, मतलब टिकट पास, और मैं आपको दिखाता हूँ ये हरदा घाट हमारा, ये है हरदा घाट, तो फेरी घाट बोलते हैं, ये हरदा से कर जाता है, ये बेसिकली आपका फेरी घाट है हमारा। वो देख रहे हो वो न्यू कोलकाता है, कोलकाता नहीं है, श्रीरामपुर में एक ना प्रॉपर्टी है, न्यू कोलकाता का, ये कुछ एंट्री गेट है ऐसे, एंड हमारा स्टीमर सामने लगा। तो वही कह रहा था कि सबसे पहले स्टीमर से पार करेंगे और खरदा आ जाएगा, और खरदा से एक टोटो डायरेक्ट, अब खरदा थाना से, इनफैक्ट खरदा स्टेशन, एक टोटो हमें ले जाएगा सीधे सागरदत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड इंशाल्लाह से सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अरेंज कर लिए, क्योंकि वो पेपर आ चुका था, एंड एक इमीडिएट सीनियर मेरी मतलब वो सीनियर है मेरे से इन जनरल भी, बट हम लोग साथ में प्रिपरेशन करते थे, एंड एक इंटर्न है सागरदत्ता में जो मेरे इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छे मोर देन अ ब्रदर, ऑलमोस्ट एज एन एल्डर ब्रदर है, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर। सो कहते हैं ना अल्लाह ताला जो देते हैं बेस्ट, समटाइम्स बेस्ट नहीं होना भी ना, बेटर होना भी अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू बेस्ट, क्योंकि अल्लाह ताला आपको सब कुछ सोच समझ के कैलकुलेट करके देते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। सो थोड़ा सा स्लो मोशन एंजॉय करते हैं और फिर पार करते हैं, जल्दी से कॉलेज जाते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये सागर रिश्ता और ये बेसिकली समर एक्सल मिल की साइड की है। एक ऐसा जगह है ना जो मैं बचपन से आया मतलब आते जा रहा हूँ और ये एकदम ये ना ये एक्चुअली एक मेन एंट्रेंस गेट है जो चलते हैं अंदर। तो गाइस तो ये वन ऑफ द रीजंस था मतलब एक्चुअली मेरा जो मार्क्स था मेरा जो मार्क्स और रैंक था ना उसकी वजह से मेरे को आरजी कर भी मिल सकता था सीएनएमसी भी मिल सकता था बट एक मतलब कुछ रीजंस है ना जो मैंने ये कॉलेज सेलेक्ट किया स्पेसिफिकली क्योंकि बहुत जन पूछ रहे थे मुझसे टेलीग्राम पे क्योंकि मतलब कट ऑफ तो सबको पता चल ही गया होगा तो मेरे रैंक में ना सीएनएमसी ये भी मिल रहा था आरजी कर भी मिल रहा था मैं एकदम डेड सेंटर जो बोलते हैं ना सेंटर कोलकाता वो छोड़ के ये कॉलेज क्यों सेलेक्ट किया। इसके स्पेसिफिक बहुत सारे रीजंस है। एक है मतलब मुझे उतने ग्लेजिंग लाइफ पसंद नहीं है लाइक सोशल लाइफ ये लाइफ तो इसीलिए यहाँ पे ना ये काफ़ी सिंपल सोबर कॉलेज है। मैं मतलब यहाँ पर ये शायद 2010-11 में इस्टेब्लिश हुआ है तो मैं यहाँ पर मेरे बहुत रिलेटिव रहते हैं मैं आ चुका हूँ। ये हॉस्पिटल में एक अलग काम और सूदिंग लगता है वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। सेकेंडली मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स पास रहते हैं और मैं आपको मतलब वो जब चॉइस फिलिंग का वीडियो बना रहा था मैं बोला था मैं बहुत होम सिक हूँ मुझे चाहिए लाइक मेरा यहाँ पे जो मेरे फूफी के रिश्तेदार रहते हैं वो घर 5 मिनट दूर है ये मतलब ये गेट निकलेगा नहीं ESI का जो ये सागर दत्ता का पीछे वहाँ पे 5 मिनट है वहाँ से 5 मिनट लगता है और मेरे नानी का घर जो है वो भी एक बस 2:30 पकड़ेंगे ना तो वो भी चला जाता है। तो मेरा और यहाँ का हॉस्टल में भी मेरे एक सीनियर है जो इंटर्न है और बहुत सारे ऐसे इमीडिएट सीनियर्स और नॉर्मल थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी सीनियर्स है इवन नर्सिंग में मतलब मेरे 2 कलीग्स पढ़ती है जो मेरे साथ स्कूल में थी तो एक वेल टू नोन फेस भी है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ना ये कैंपस में एक लेक है देखते हैं कैंपस वो मेन गेट पर यहाँ पर बहुत सामने है और यहाँ पर एक और सेकेंडरी गेट है और ये ना कैंपस के बीच में एक आपका तालाब टाइप का ये सारे बिल्डिंग्स है वो अकेडमिक बिल्डिंग है वो उसके पीछे हॉस्टल है वो फिर इमरजेंसी बिल्डिंग काफ़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर एक एक करके मैं आपको दिखा दूँ सारे क्योंकि ये कैंपस है ना मैं वेल अवेयर हूँ मैं आया जा रहा हूँ मैंने बोला मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका अपने रिश्तेदार का देखा हाँ ऑब्वियसली ये कह सकते कि मैं बहुत बार मतलब पेशेंट का रिलेटिव यहाँ से आया हूँ फर्स्ट टाइम एज अ स्टूडेंट आ रहा हूँ एडमिशन लेने तो कुछ चीज़ें जो मुझे ऑलरेडी पता मैं आपको दिखा दूँ। एक्चुअली जो हमारी सीनियर इमीडिएट सीनियर्स सना वो वेट कर रही है हम लोग का तो वो हेल्प करेगी ऑब्वियसली एडमिशन प्रोसीजर में। अगर सना ये वीडियो को देख रही है तो रेडी रहो मेरे प्रैक्टिकल सीखने के लिए क्योंकि वो प्रॉमिस की थी कि अगर मुझे इस कॉलेज में मिलेगा तो वो मेरे सारे फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स लिखेगी। ये इमरजेंसी बिल्डिंग है देखिए आप देख सकते हैं ना ये इमरजेंसी बिल्डिंग है और ये यहाँ पर ये देख रहे हैं ना ये कॉलेज का ही ना एक आप जैसे कि जूम करके मैं आपको दिखा दूँ ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी और ये सागर दत्ता का अपना है और इसका ये जो ऑक्सीजन का ना वो सारा पूरा कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो जो आप देख सकते हैं वो नर्सिंग का वो जो दोनों बिल्डिंग देख रहे हो ना वो नर्सिंग लोग के लिए BSc नर्सिंग सागर दत्ता में होता है और काफ़ी रिनाउंड है इसमें। और ये आप देख सकते हो ना ये प्रोसेस के रिगार्डिंग आपके आरजी करके एक बैनर लगा हुआ बहुत बड़ा ये थोड़ा सा आप बोलते हैं ना सारा ये देख लो कि क्या क्या फैसिलिटीज है रेडियोलॉजी सेंटर पैथोलॉजी तो बेसिकली आपको बता रहा है ब्लड बैंक है यहाँ पर OPD है वहाँ पर वो सारा हॉस्टल है वो शायद ना गर्ल्स हॉस्टल है जो पीछे के साइड में ये एकेडमिक बिल्डिंग है इसके पीछे के साइड में गर्ल्स हॉस्टल जो ये है ना काफ़ी सूदिंग सा एटमोसफेयर है कैंपस है अच्छा खासा बड़ा कैंपस है आप आराम से घूम सकते हो आप क्लासेस करके जाओ अपने हॉस्टल में कुछ ऐसा है नहीं बहुत ही अच्छा सीनियर सा बहुत काम कंपोस्ट एक एरिया है और ये क्योंकि एक वो चीज़ होता है ना कामनेस चाहिए था मुझे पीस चाहिए था मुझे 5.5 ईयर्स आप एडजस्ट नहीं कर सकते एक साल दो साल चलो आप रह लोगे कि चलो एडजस्ट करना बट अगर आप 6 ईयर्स के लिए रह रहे हो इंक्लूडिंग इंटर्नशिप तो फिर आपको एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ पर ना थोड़ा सा काम रहो जैसे कि आप ये बेसिकली ना एकेडमिक बिल्डिंग है कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सागर दत्ता यहाँ से हम लोग घुसते हैं एडमिशन करवाते हैं एडमिशन करा के चलते हैं
तो इंशाल्लाह से सब कुछ होपफुली सही से हो जाए। सामने सारे ना इंटर्न्स के बिल्डिंग है, हम लोग फिर इंटर्न जो हमारे भाई हैं उनसे भी मिलने जाएंगे, तो पहले एडमिशन करा लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा एडमिशन हो चुका है एंड ये पता है ये एक मेरा शर्ट एक बहुत बड़ा डिसक्वालिटी है, जैसे ही पसीना होता है ना स्वेटिंग होता है अपना कलर चेंज कर देता है। तो ये मेरा फाइल और यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ना, तो मैं ऑफिशियली अब मैं जो इंट्रो देता हूँ ना, आई एम अ फर्स्ट ईयर बी डी एस स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ बंगाल, अब वो चेंज होकर आई एम अ फर्स्ट ईयर बी डी एस फर्स्ट ईयर एम बी बी एस स्टूडेंट फ्रॉम सागर दत्ता कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस सारे दुआओं के लिए, सारे विशेस के लिए, मेरे सारे वेल विशेस। अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नाम करता रहूँ ना, मैं तो सारी ज़िंदगी भर नाम कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरे इस जर्नी ने कितने बहुत लोगों ने हेल्प किया, एंड अगर मैं आपको जानता हूँ पर्सनली तो मतलब कैसे भी जानता हूँ ना, तो विश्वास करो मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ अपने इस चीज़ के लिए। तो अब एक न्यू एडवेंचर रहेगा, मैं डेली आपको ऑब्वियसली मैं हॉस्टल लूँगा, क्योंकि फिर भी घर मेरे ना एटलीस्ट यहाँ से 1.5-2 घंटा दूर है, अच्छा खासा 20 लगभग किलोमीटर है, पानी वानी पार करके आना होगा, तो आपने देखा ही होगा। तो ऑब्वियसली मैं हॉस्टल लूँगा एंड पूरा आपको फर्स्ट ईयर का सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग क्लासेस करते हैं, हॉस्टल का क्या एनवायरनमेंट है, कैंपस में कैसे चिल होता है, सब कुछ आपको A to Z दिखाऊंगा। तो अगर आप न्यू इस चैनल पे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, आज का दिन बहुत हेक्टिक था। कल हम लोग आए थे, मैं जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था ना, हम लोग आए थे और हम लोग 10 मिनट के चलते नहीं करा पाए थे फर्स्ट डे एडमिशन। तो आज 4 सितंबर है, तो आज होपफुली क्या हो गया एडमिशन, तो अब घर जाते हैं। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, कल मैं सो भी नहीं पाया था क्योंकि कट ऑफ का भी ना एक वीडियो बनाना है एंड एडमिशन का मेरा भी प्रोसेस था। तो ये वीडियो ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपने ख्याल रखें और अगर न्यू चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज़ साइम रियान साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।